सकते हैं। हम लोग आ तो गए लेकिन देखो कितना भीड़ है और गेट भी नहीं खुला और हम लोग फंस चुके और इतने सारे लोग हैं जो कि पीछे तो जाएंगे नहीं। हेलो गाइस, तो मुझे लग चुकी है भूख, तो अभी मैं खाऊंगा, क्या खाऊंगा, सांभर बड़ा। जय माता दे, जय माता दे। अभी से ही मैं तो फेमस हो रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम टू ट्रैवलर्स लाइफ साइकिल एंड माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू। और जम्मू में आज दूसरा दिन है। कल हम जम्मू आए थे, कल हमने बाणगंगा घूमा, कल हमने चढ़ाई नहीं की, जो वैष्णो देवी की चढ़ाई हम कल हमने नहीं की क्योंकि आज हमारा हेलीकॉप्टर है और 2 बजे का है और मौसम सुबह से आज ख़राब है, बारिश हो रही है, पता नहीं आज हेलीकॉप्टर हम ले पाएंगे या नहीं, कल रिटर्न भी है हेलीकॉप्टर से। सो चलते हैं निहारिका भवन पहले, क्योंकि मनोकामना भवन जो ऊपर भवन जो वैष्णो माता के मंदिर के पास जो 2-4 जो श्राइन बोर्ड के होटल हैं उनकी बुकिंग कराने, मनोकामना भवन की बुकिंग ऑफलाइन होती है और बाकी सारा ऑनलाइन होता है। और 1 महीने पहले भी मैंने चेक किया था जब हम टिकट कटा रहे थे, उस समय भी कोई रूम्स अवेलेबल नहीं थे, कोई डोमेट्री रूम नहीं था, लेकिन मनोकामना भवन जो है जिसकी ऑफलाइन बुकिंग होती है निहारिका भवन से, जम्मू या कटरा श्राइन बोर्ड का जो निहारिका भवन है वहाँ से ऑफलाइन बुकिंग होगी, जो 6 बजे सुबह खुलता है। तो अभी 5:30 हो रहे हैं, सो वहाँ जाएंगे और लाइन में लगेंगे और तत्काल की तरह 6 बजे काउंटर खुलता है। तो चलते हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की, इसलिए मैंने थोड़ा उलन पहन लिया, ऐसे इतनी ठंड नहीं है लेकिन हल्की बारिश हो रही है और हल्का ठंड है सुबह में। सो चलते हैं निहारिका भवन। पूरा मार्केट अभी बंद है। कटरा का मेन चौराहा है और इसी के नीचे बस स्टैंड के साइड से निहारिका भवन है। तो हमें मनोकामना भवन में डोमेट्री बेड्स मिल गई हैं। सुबह 6 बजे काउंटर खुलता है, तो आप 5:30 बजे जाके निहारिका कॉम्प्लेक्स में लाइन लगा लें, नहीं तो फिर मिलने से रहा। और एक आदमी पे 5 सीट और थोड़ा लेट होने पे एक आदमी को 4 सीट, तो हमें टोटल 9 लोगों का बेड मिल गया है और एक तो हमारे साथ बच्चा है, सो वी विल मैनेज इट आउट। चलते हैं फिर से कमरे पर, थोड़ी देर सोते हैं सोते हैं उसके बाद फिर तैयार होते हैं हेलीकॉप्टर राइड के लिए। सो बारिश थम नहीं रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो मुझे तो नहीं लगता हेलीकॉप्टर राइड हो पाएगी, हेलीकॉप्टर कैंसिल हो जाएगा, उसको रिफंड कराना होगा। सो चलते हैं, सबसे पहले यात्रा पर्ची लेते हैं। हमने यात्रा पर्ची अभी तक नहीं ली है और हम 10 लोग हैं, लोगों को जाना होता है और यात्रा पर्ची कटानी होती है। सो रेनकोट पहन लिया है मैंने, चलते हैं यात्रा पर्ची कटाते हैं और फिर आके तैयार होके चलेंगे। पैदल ही लगता है चढ़ाई करना होगा, पैदल यात्रा होगी। नहीं हुआ सर, ब्रेकफास्ट कर लिया है
और चलते निहारिका भवन, दोबारा देखते हैं हेलीकॉप्टर आज उड़ेगी कि नहीं। चल रहे हैं हेलीपैड, और जो हेलीकॉप्टर की कटरा से भवन तक का टिकट था उसको कैंसिल कराते हैं और फिर यात्रा चालू करते हैं पैदल ही। हर साल तो हम पैदल ही जाते थे, इस साल सोचा था हेलीकॉप्टर से चलेंगे, लेकिन माता ने कहा कि नहीं भाई पैदल ही आना है, तो हम पैदल ही जाएंगे। तो चलते हैं टिकट कैंसिल कराते हैं हेलीपैड, कटरा हेलीपैड। हम आ गए हैं हेलीपैड पे, ये है हेलीपैड कटरा का, चलते हैं अंदर। टिकट कैंसिल करा लिए हमने, 15 दिन बाद रिफंड आएगा कहा उन्होंने, और अब पैदल ऊपर माता के दरबार तक जाएंगे हम। आने का हमने कैंसिल नहीं कराया, आने का हम ऊपर भवन पे ही देखेंगे, अगर कल मौसम साफ़ हुआ तो हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे, नहीं तो ऊपर ही कैंसिल करा लेंगे। चलते हैं दोबारा होटल। यात्रा चालू कर ली है हमने, हेलीकॉप्टर के तो टिकट कैंसिल करा ली, अब पैदल जाएंगे। यहाँ से ऑटो लेंगे बाणगंगा तक जो चेकिंग पॉइंट है, और फिर वहाँ से पैदल आगे बढ़ेंगे। तो जय माता दी, जय माता दी। मेन चेकिंग पॉइंट के पास आ गए हैं, यहीं पे चेकिंग होती है और यहाँ से हम आगे यात्रा चालू करते हैं। पापा लोग आ गए हैं अभी। ये वाला रास्ता नया रास्ता है और ये नया बना है, ट्रेडिशनल रास्ता वो है। सो अभी हम पता कर रहे हैं, मालूम पड़ा है कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। कल दिखाया था मैंने आपको, यहाँ रुकेंगे नहीं, सीधे आगे बढ़ेंगे। तो हम पहुँच गए चरण पादुका, प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका, और ये पहला दर्शन है मंदिर का। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं, बाकी लोग दर्शन करने गए अंदर, और थोड़ी देर आराम करके फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जय माता दे, जय माता दे, जय माता दे, जोर से बोलो जय माता दे, मैं नहीं सुनिया, जय माता दे। लगभग 4 किलोमीटर चल गए हैं और लगभग 2 किलोमीटर के बाद अर्थ कुमारी है। थका तो नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पूरा टी शर्ट भीग गया, बैग भी पीछे से भीग गया पसीने से। अर्थ कुमारी में तुम नहा के फ्रेश हो जाएंगे ठंडा ठंडा पानी में। धूप गई है अच्छी खासी और हमारे समय में बारिश हो रही थी, हेलीकॉप्टर राइड छूट गया। जैसे ही हमने कैंसिल कराई है हेलीकॉप्टर के टिकट, और वैसे ही बादल हट गए, धूप उगने लगी, हेलीकॉप्टर से जाने का था ही नहीं आज। हम पहुंच
पहुंच गए अर्थ कुमारी तक और अर्थ कुमारी से बैटरी ई रिक्शा कार चलती है भवन तक। और उसका टिकट के बारे में मैं नीचे मेंशन करता रहूँगा, जो भी रेट्स होगा वो नीचे लिखता जाऊँगा। तो चलते हैं और बैटरी ई रिक्शा कार देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। बैटरी ई रिक्शा की आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, या तो अर्थ कुमारी से आके आप टिकट ले सकते हैं, या जम्मू या कटरा के निहारिका भवन से भी कटती है टिकट। देखते हैं कि हमें मिलती है कि नहीं ये रिक्शा। 6 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कम हो जाएगा। लाइन में लग गए हम बैटरी ई रिक्शा कार के टिकट के लिए और लगभग 60 ट्रिप जाता है। फर्स्ट ट्रिप 8 बजे, सेकेंड ट्रिप 10:30 बजे, थर्ड ट्रिप 1:30 में, फोर्थ ट्रिप 3:30 में, फिफ्थ ट्रिप 5:30 में, और सिक्स ट्रिप 7:30, और आखिरी जाता है 10 बजे। और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं वैष्णोदेवी.org से, या तो आप निहारिका भवन जो कि कटरा और जम्मू में है वहाँ से भी आप इसकी टिकट बुकिंग करा सकते हैं, जहाँ हमने मनोकामना भवन का टिकट लिया था। चलते हैं टिकट लेते हैं और फिर यहाँ से बैटरी रिक्शा कार से आगे का यात्रा पूरा करते हैं। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं हम लोग आ तो गए लेकिन देखो कितना भीड़ है और गेट भी नहीं खुला और हम लोग फंस चुके और इतने सारे लोग हैं जो कि पीछे तो जाएंगे नहीं, तो हम लोग 1 घंटा तक खड़े रहेंगे जो कि ट्रिप का टाइमिंग है 7:30 को। देखिए हम लोग को गाड़ी मिल चुकी है, अब ई रिक्शा की बुकिंग हो गई और अब हम बैठेंगे। लेकिन ई रिक्शा मेनली ओल्ड एज लोगों के लिए है और महिलाओं के लिए है, और हमारी लाइन में खैर कोई ज़्यादा ओल्ड एज था नहीं, पीछे 2 लोग थे तो सबको मिल जाएगा, चिंता ना। तो नंबर मिल गया अंकल, चलिए मोंटी। हाँ हाँ यही है मोंटी, मोंटी 354 रुपये है अर्थ कुमारी से भवन तक, और भवन से फिर अर्थ कुमारी तक का 200 रुपये कम है, 100 रुपये। बाबू गोदी में बैठना पड़ेगा। फाइनली हम पहुंच गए भवन के पास, मैं आपको दर्शन कराता हूं। गोरा भवन, हाँ अभी सिर्फ हम आए, फैमिली अभी पीछे है, पापा और अंकल लोग की जो ई रिक्शा है वो अभी भी पीछे है। आ गए वो पीछे वाला। तो चलते हैं भवन और मनोकामना भवन में जाके अपना सामान रखते हैं और देखते हैं दर्शन कितने बजे करेंगे। प्रसाद ले लिया है और प्रसाद लेके भी रखेंगे, उसके बाद मनोकामना भवन में पहले चेक इन करेंगे और फिर नहा के आगे बढ़ेंगे। ये देखिए प्रसाद भी अभी लिए हुए और ये हमें सुबह मिला था रिसिप्ट, इसे हम दे के चेक इन करेंगे। ये ऊपर होगा क्रिस पूजा, दस लोगों का है सर, तो एक पूरा डोमेट्री रूम ही मिल जाता। तो देखो हम लोग मनोकामना भवन में और अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या रखना है लॉकर में। ये देखिए, तो ये देखिए हम लोग को रूम मिल गए और अभी भैया जा रहे हैं सबको बुलाने, सब लोग नीचे खड़े, तो बात हो गई है, बुक हो गए, अभी सब लोग को है ना हम लोग बुलाएंगे ऊपर। ये देखिए बुलाया जा रहा है। हेलो गाइस, तो मुझे लग चुकी है भूख, तो अभी मैं खाऊंगा क्या खाऊंगा, सांभर बड़ा। एक डोमेट्री रूम ये है, एक ये है और इधर भी है, और ये डोमेट्री रूम हमें मिला है 206।
तो फिर आज हम लोग नहा लिए हैं, तो फिर अभी हम लोग जाएंगे पूजा करने। भी लॉकर में सामान रखेंगे, फिर सब लोग जाएंगे। ये देखिए आधे लोग तैयार है, आधे लोग नंगे हैं। आधे लोग नंगे हैं। हेलो गाइस, देखो तो मैं रेडी हो चुका हूँ। देखो पूरा मैं फुल कोट पैंट पहन चुका हूँ, तो फिर मैं तो रेडी हो गया हूँ, लेकिन बाकी सब थोड़ा थोड़ा तैयारी कर रहे। कोई बाल बा रहे, कोई कपड़ा पहन रहे है, कोई नहा रहे। तो हम लोग वेट करते हैं, बस दो लोग हम लोग नहा रहे, फिर उसके बाद सब लोग कपड़ा पहन के जाएंगे पूजा करने। रात के 12 बजे का टाइम है, देखते हैं कितना ठंड लगता है, क्या होता है नेक्स्ट। तो अब गाइस हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, ऐसे ये देखिए, और दर्शन हो गया हमारा। अब हमने यहाँ मनोकामना भवन से चेकआउट कर दिया है, ऊपर जा रहे हैं भैरव बाबा, और उसके बाद वहाँ से सीधे सांझी छत उतरेंगे और हेलीकॉप्टर बोर्ड करेंगे अगर मौसम अच्छा रहा तो। आपके पास बुकिंग है तो आप ऊपर रहोगे, नहीं तो फिर नीचे बिछा के आपको सोना होता है। भैरव बाबा की जो चढ़ाई है वो वैष्णो देवी के मुकाबले बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। वैष्णो देवी में फिर भी इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है, 13 किलोमीटर का है वो, लेकिन इतना नहीं थकाता जितना ये सिर्फ 3-4 किलोमीटर भैरव बाबा का थका देता है। 2 किलोमीटर है, ये भी थक गया। अब बताओ क्या बोलेंगे व्यूअर्स, कैसे सब्सक्राइब करेंगे जब तू थक गया। चल रहा हूँ, एक बार भी रुका नहीं हूँ हम दोनों में से कोई भी। सीढ़ियों का उपयोग बड़े बुजुर्ग बूढ़े ना करें, सीढ़ियों पे हालत खराब हो जाता। अभी 300 वाला सीढ़ी पार किया था। हेलो गाइस, देखो हम लोग अब पहुँचने वाले हैं, बस एक मोड़ और रह गया और हम लोग पहुँचने वाले हैं। देखो हम लोग भैरवनाथ पहुँचने वाले। तो हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा का मंदिर, चलते हैं प्रसाद लेते हैं, वहां से प्रसाद मिलता है। बैठने वाले हेलीकॉप्टर में, सो एक्साइटेड। कटरा हेलीपैड पहुंच गए हम, ये है कटरा हेलीपैड। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो फिर अभी हम लोग गेट से अंदर जाएंगे अभी हम लोग का टाइम आने पे। लेकिन यहाँ पे ना पता चला ट्रेन ही है
घंटा लेट है, तो हम लोग की ट्रेन एक घंटा बाद आएगी। ये देखिए हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए जम्मू के। ये देखिए अभी अभी ट्रेन गए फौरन बजे, क्या पता वो हम लोग की ट्रेन है। अभी हम लोग पहुँचे हैं, अभी हम लोग की ट्रेन को तो आने में बहुत देर है, तो हम लोग तो खड़े हुए ना, बोर हो रहे हैं। और ज़्यादा अभी मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, लेकिन कुछ लोग ट्रेन स्टेशन में मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम हर फर्स्ट ब्लॉग है, कहाँ से हो, क्या यूट्यूब का चैनल का नाम किया है, इसीलिए अभी से ही मैं तो फेमस हो रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में मैंने आपको वैष्णो देवी संबंधित सारी बातें बता दी। डे वन एंड डे टू में सारी बातें मैंने बता दी है, और अगला वीडियो केदारनाथ का आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी मेरे ट्रैवल वीडियोस के बारे में पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। सो मिलते हैं सीधे केदारनाथ में।